हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन का से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय है, इसके पहले भी मैंने एक सेट जो है जारी कर दिया है ना। तो ये सेट भी है, इसको अच्छे से पढ़ना है ना। देखिए, यदि 40% भी आता है, 40 नंबर के भी सवाल फंसते इसमें से, तो भी बहुत खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि हम बहुत कम प्रश्न पढ़ के हम पास हो सकते हैं। यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका पूरा साल ख़राब हो जाता है, और अगले साल जो है हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देंगे, है ना। तो इस प्रकार हमारा ही हानि है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ाई करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। सुनील गावस्कर वांटेड बिकम फ्रॉम द बिगनिंग। शुरू में सुनील गावस्कर जो है बैट्समैन बनना चाहता था। टेम्पू लिव्ड इन, टेम्पू कहाँ रहता था, स्मॉल ट्राइबल विलेज। डॉक्टर बेंसन इनवाइटेड द मैन इन बिकॉज, डॉक्टर बेंसन ने एक व्यक्ति को इन्वाइट क्यों किया था, क्योंकि ही वाज वॉकिंग इन द बैड वेदर। द कर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म इज, है ना। तो प्रजातंत्र का अभिशाप कौन सा है, तो ये जातिवाद कास्टिज्म आएगा। द इंट्रोड्यूसर इफ आई वेयर यू इज ए रॉबर, रेड कलर वाला आंसर है। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइंड एनर्जी, तो इसमें आएगा फिफ्थ लार्जेस्ट। व्हाट वाज वेद फादर्स एक्सटेंड टू द सिचुएशन, तो ही वाज ऑप्टिमिस्टिक आएगा। भोलीस मदर वा ऑलवेज कंपेयर्ड भोली टू बी ए डम बकाउ। बलदेव वाज मोर वॉरीड अबाउट हिज सन सेफ्टी। चूज द करेक्ट आंसर। द पोएम वेयर द माइंड इज विथाउट फियर इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद क्वेश्चन सी है, चूज द करेक्ट आंसर। ही वाज एन आएगा इसमें। सेकेंड है टेक केयर ऑफ आएगा। ही राइट्स विथ आएगा। ही हैज़ बिन वर्किंग फॉर आएगा। लिटिल आएगा। छठवा में मच आएगा। सातवा में बेटर आएगा। और आठवा में हिज फ्रेंड ऑफ आएगा। क्वेश्चन आंसर, हाउ डिड गावस्कर ब्रेक हिज मदर्स नोज। गावस्कर ने अपनी माता जी का नाक कैसे तोड़ दिया था, तो जब दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जो बॉल है बैट से टकराने के बाद उसकी मम्मी को पड़ गया। What kind of education dogs write thing is most useful, do you agree? इसके बाद क्वेश्चन चार है, How did the doctor realize his mistake? डॉक्टर को अपने गलती का एहसास कैसे हुआ, तो when doctor seeing the prescription of the watch then he realized his mistake. What difference does the writer see in the mother's nature and his grandmother? अपने माता और दादी में क्या अंतर देखा। क्वेश्चन सिक्स है, हु वाज इवान से वेयर वाज ही गोइंग, इवान कौन था और कहाँ जा रहा था। व्हाट वेयर द टेस्ट वेस मदर पुट इन हिज थ्रो। आठ है, व्हाई डिड द बलदेव डिसाइड टू फाइट द टाइगर, बलदेव ने टाइगर के साथ लड़ाई करने का मन क्यों किया। क्वेश्चन नाइन है, वाई वाज आराधना हार्ट ब्रोकन। फाइनली 10 है। इसके बाद 11 है, वाई वाज दिसंबर ए वेल टू ब्राइड ग्रूम। इसके बाद पोयम का क्वेश्चन है, वाई डज द अदर रोड हैव बेटर क्लेम। क्वेश्चन 13 है, वाई डज द पोएट से अबाउट ए मदर। टू ए डायरेक्टेड है, रहीम खान वाज फीडिंग द स्पैरो, चेंज इंटो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया को सामने रखते हैं, वैसे ही रख दीजिएगा। यू नो मी, तो यू डू नॉट नो मी आएगा इसमें। ही हैज नॉट सॉल्वड सम एनी आएगा इसमें। एवरी आएगा, एवरी मैन इज नॉट, और इसमें फ्यू आएगा। डू ए डायरेक्टेड फिर से, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, चेंज द वॉइस, लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। सी लाइक्स स्वीट एट, क्वेश्चन टे Doesn't see. My sister said I finished my homework. My sister said that she finished homework. इसी प्रकार फिर डू ए डायरेक्टेड है, 6 नंबर का, यानी टोटल 9 नंबर का आता है, 3 थी 9। राइट ऐसे,
इसके पहले सेट में मैंने जो है पॉल्यूशन का समझाया था, तो यहाँ पर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का भारत में समस्या क्या है और न्यूज़पेपर, ये दोनों को समझाया हूँ दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि आपके पास गाइड कुंजी नहीं है तो इसी को आप स्क्रीनशॉट करके कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र के बारे में लिखना है ऐसे। राइट ए लेटर टू मयूर रायपुर कॉरपोरेशन रिक्वेस्टिंग हिम प्रोवाइड कॉलोनी टू ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, यानी पानी की समस्या पर एक आवेदन लिखना है कि आपके क्षेत्र में पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो साफ सुथरा पानी का सप्लाई डेली किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो ऐसे एड्रेस कोई भी डाल देना, आपने ही क्षेत्र का नाम लिख देना, रायपुर छत्तीसगढ़ अशोकनगर गुढ़ियारी कुछ भी लिख सकते हो आप, टू मयूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ रायपुर। उसके बाद कंप्लेन लेटर रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई है ना, तो ऐसा लिखना है आपको। इसके बाद राइट लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ड्यूरिंग समर वेकेशन, यानी गर्मी की छुट्टी आपके साथ बिताने के लिए एक पत्र लिखना है अपने दोस्त को। तो डियर फ्रेंड अतुल, आई रिसीव योर लेटर और एग्जाम हैज़ ओवर, आई इन्वाइटेड यू टू कम इन माई विलेज ऑन दिस समर वेकेशन, वी विल फुल एंजॉय, ठीक है। रिगार्ड्स टू योर मम्मी एंड पापा योर फ्रेंड ऋषभ, यहाँ पर जो है पैसेज को पढ़कर आंसर देना है। तो आराधना पाठ से लिया गया है, डांसर थी वो है ना, इस पाठ से जो है उसके बारे में लिखना है। राइट वन सेंटेंस दैट अप्लाई डिस्क्राइब आराधना पर्सनालिटी, आराधना की पर्सनालिटी को दर्शाने वाले कोई वाक्य लिखिए। तो ही ड्रान बैक इन नीट प्लेट द काजल अराउंड हर लार्ज आलमंड शेप आइस फॉर्म ए नीट लाइन, आँखों में काजल क्योंकि एक डांसर है इसलिए चेहरे पर जो है विशेष फोकस किया जाता है। विच एक्सप्रेशन इन द पैसेज सजेस्ट आराधना वाज टेस्ट फुली ड्रेस्ड अप, है ना, बहुत बढ़िया ड्रेस्ड अप हुआ था, इसका वो एक्सप्लेन कीजिए। विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम, तो नेकलेस आएगा इसमें। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर, ये भी अनसीन पैसेज है, इसमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति को क्या क्या हानि हो सकती है, इसके महत्व को बताया है, ठीक है। तो व्हाट कैन कॉज डिस्पेयर्ड डैमेज टू ह्यूमन बॉडी, हाउ इज टेम्पररी डिफनेस कॉज्ड 90 डेसिबल, डीबी यानी डेसिबल है यहाँ पर। हाउ नॉइज इज मेजर्ड इन, नॉइज इज मेजर्ड इन डेसिबल। इसके बाद क्वेश्चन 22 है, हियर इनकम्प्लीट सेंटेंस है, खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पर आंसर लिख दिया हूँ दोस्तों, देखो नीचे में पहला में इंक्वायरी आएगा, सेकंड में रिफरेंस आएगा, थर्ड में फर्नीचर आएगा और फोर्थ में मैन्युफैक्चर आएगा खाली स्थान। यहाँ पर रिपोर्ट लिखना है, सो ने नो पॉलीथीन बैग, यानी कि पॉलीथीन बैग का उपयोग ना करें, इस पर एक पैराग्राफ लिखना है आपको। तो आपको हिंदी में बताऊँ तो ऐसे लिखेंगे कि मैं आए, तो यहाँ पर अशोक नहा विहार में एक और कैंपेन रखा गया है, कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो है पॉलीथीन बैग के दुष्प्रभाव के बारे में वर्णन किया गया, बताया गया कि किस प्रकार पॉलीथीन बैग के उपयोग से ज़मीन की उर्वरता कम होती है ना, लोगों को कितना हानि पहुँचता है, ये सब के बारे में बताया, यही रिपोर्ट है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज, या इस पैसेज को पढ़ना और प्रेसिस यानी सारांश लिखना, सारांश का अर्थ होता है दोस्तों जो पाठ दिया जाता है उसको 3 से 4 लाइन में संक्षिप्त में वर्णन करना कि वो किसके बारे में बताया है। तो मैं आपको बिना पढ़े बता देता हूँ, और फ्लैग है जो ग्लोरियस हिस्ट्री बिहाइंड, हमारे देश का जो झंडा है उसका एक इतिहास है ना, लोग अपना जान गंवा दिए इस झंडे को सम्मान के लिए है ना, भगत सिंह जी है अपने देश की रक्षा के लिए बहुत लोगों ने जो है अपना जीवन दान दे दिया। तो इस पार्ट का नाम फ्लैग रखेंगे, प्रेसिस लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एरर यानी होता है गलती ढूंढना। ये दिए हुए वाक्य में आपको गलती ढूंढना है, तो यहाँ पर बिगर द लिख दिया है, इसकी जगह देन आएगा, वेट वेल ही टीयर अंटिल आएगा यहाँ पर, ठीक है। गलती को ढूंढ कर सही करके लिखना है। तो ये चौथा पाँचवा सबको हल कर दिया है, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार इंग्लिश का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, सेट ए बी दोनों हो गया है ना। इसके बाद जो और बचा हुआ है पॉलिटिकल साइंस वगैरह, दो तीन सब्जेक्ट और बचा है, फिर मेरा पूरा कंप्लीट है।